अमेरिका ने चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है। अमेरिका के मुताबिक चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के सदस्य देशों की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर भी चिंतित है। अमेरिका ने कहा है कि चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में बंपर निवेश करने से वो अन्य देशों की जमीन पर सैन्य और रणनीतिक बढ़त हासिल कर लेगा और वो खतरनाक हो सकता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आतंकियों से बातचीत की पैरवी करके घिर गईं। उनके बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे सेना के ऑपरेशन की तारीफ की और आतंकवाद के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती से उनकी पार्टी का स्टैंड पूछ लिया। उनके कौन से अपने हैं मुझे तो पता नहीं, अलगाववादी उनके अपने हैं, आतंकवादी उनके अपने हैं, कौन है अपना उनका, पहले तो वो स्पष्ट करें। उधर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कश्मीरी नौजवानों से तो बातचीत के पक्ष में हैं, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं। पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, उनको तो कोई एमनेस्टी नहीं, कोई बातचीत नहीं। जो अपने लोग हैं उनके बारे में जो आर्मी चीफ ने कहा, मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि वो अगर गन छोड़ के और मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो हम उनकी मदद करें। वहीं जेडीयू ने भी आतंकवादियों से बातचीत का विरोध करते हुए महबूबा मुफ्ती पर करारा हमला किया। लेकिन बातचीत उन लोगों से हो जो भारतीय संविधान के दायरे में बात करें। महबूबा मुफ्ती को जानकारी थी कि भाजपा की आर्टिकल 370, 35 ए और अन्य मसलों पर क्या राय है, वो एक मौका प्रस्त नेता। लेकिन कांग्रेस ने अटल सरकार की नीतियों का हवाला देते हुए महबूबा के बयान का समर्थन किया। जब हम लोग नागालैंड मेजो जो टेररिस्ट हैं या जो अलगाववादी हैं उनसे हम बातचीत कर सकते हैं तो हम कश्मीर के जो आतंकवादी उनसे क्यों नहीं बात कर सकते। जीएसटी और कस्टम विभाग ने कोलकाता से भुवनेश्वर लाए जा रहे करीब 50,000 किलो सिक्के बरामद किए हैं। ये सिक्के दो बसों में छिपाकर लाए जा रहे थे जिन्हें जांच के दौरान जीएसटी विभाग ने जब्त कर लिया। इसके साथ बिना जीएसटी चुकाए लाया जा रहा कुछ सामान भी जब्त किया गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इतनी भारी मात्रा में सिक्के कोलकाता से भुवनेश्वर क्यों लाए जा रहे थे। फिलहाल जीएसटी विभाग ने आरबीआई से भी इस मामले में मदद मांगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की दखल के बाद बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट के दखल के बाद पिछले एक हफ्ते से भी लंबे वक्त से जारी बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की अपील पर डीजीपी सुरेश अरोड़ा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया। सीबीआई ने बिहार के भागलपुर और गया के शेल्टर होम में बच्चों से बदसलूकी के आरोप में केस दर्ज कर लिया। इराक में नौकरी करने गए 15 भारतीयों ने अपने ट्रैवल एजेंट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई। कैसा भी करके 2-3 दिन में हम लोगों को इंडिया ले मैडम। नाइकी कंपनी ने ऐप की मदद से बांधे जाने वाले जूतों को लॉन्च किया जिन्हें ऐप के जरिए कसा या ढीला किया जा सकता है। मुंबई पुलिस ने एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की दुकान पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। करतारपुर कॉरिडोर मामले में फरवरी में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच एक बैठक होगी। बिहार के अररिया में सरकारी जमीन पर एक धार्मिक स्थल बनाने के लिए हो रहे भजन कीर्तन को रोकने पर गांव वालों की पुलिस से झड़प हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ने प्रदेश में रथ यात्रा की जगह गांव-गांव में रैली करने का ऐलान किया। दिल्ली के कापसहेड़ा में एक बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना है जब इसी के स्टेप फादर ने उसको बुरी तरह मारा पीटा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निशानेबाज सरताज सिंह ने 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर लगातार 20वें साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए। कोलकाता में क्रिकेटर अनिकेत शर्मा की मैदान पर अभ्यास के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। चीन ने चांद पर कपास का एक पौधा उगाने का दावा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने चांद पर भेजे गए अंतरिक्ष यान रोवर चांगी 4 पर कपास के बीज अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की। पहली बार चांद पर पौधा उगाने में मिली सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने जल्द ही चांद पर आलू के बीज भी अंकुरित करने की उम्मीद जताई। चॉन्किंग विश्वविद्यालय के
एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जारी तस्वीरों के मुताबिक कपास का अंकुर एक डिब्बे के भीतर मौजूद जाली नुमा ढांचे में पनपा और पानी और मिट्टी से भरे इस डिब्बे को पहली बार चंद्रमा की सतह पर पौधों के विकास के लिए इस्तेमाल किया गया। दावा किया गया कि डिब्बे में कपास के साथ आलू और सरसों के बीज भी भेजे गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से भेजी गई तस्वीरों में सिर्फ कपास के बीज से ही अंकुर निकला दिखाई दिया। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां कुछ लोगों पर गायों को नशीला इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। गांव के लोगों ने एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया है। हालांकि आरोपी का एक साथी इस दौरान वहां से भागने में कामयाब रहा। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद तीन गायें बेहोशी की हालत में मिली। घटना दनकौर इलाके की है। फिलहाल पुलिस और डॉक्टरों की एक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। दो व्यक्ति ने तीन गायों को नशे का इंजेक्शन लगा दिया था। जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और पहुंचने के बाद एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीलंका के एक पहाड़ी इलाके में एक संकरी सी सड़क से गुजर रहा है एक छोटा ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। उस वक्त उस ट्रैक्टर पर 6 लोग सवार थे, जिसके बेकाबू होते ही एक आदमी और उसका ड्राइवर छोटे ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा। इससे पहले ये ट्रैक्टर रफ्तार में सड़क पर चलता नजर आया। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो अचानक अपनी दाईं ओर घूम गया, जिसकी वजह से उस पर बैठा ड्राइवर और एक आदमी धड़ाम से सड़क के किनारे गिर गया। इस हादसे के बाद छोटे ट्रैक्टर का इंजन हवा में उड़ गया और वहीं चक्कर खाने लगा। इस दौरान गाड़ी के ड्राइवर ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा, जबकि बाकी लोग गोल गोल घूम रहे छोटे ट्रैक्टर पर ही सवार रहे। थोड़ी देर बाद एक बस तेज रफ्तार में उस सड़क पर छोटे ट्रैक्टर के सामने आ गई। ट्रैक्टर को घूमता देख बस रुक गई। थोड़ी देर बाद छोटा ट्रैक्टर पहाड़ से टकराते हुए सीधा सड़क के किनारे बनी खाई में जा गिरा। खाई में जाने से पहले उस पर बैठे दो लोग गिर गए, लेकिन एक महिला और उसकी बेटी छोटे ट्रैक्टर में ही खड़ी रह गई, जिसकी वजह से उन्हें हल्की चोटें आईं। झांसी में सिलेंडर लीकेज से भीषण आग लग गई। झांसी के सीवरी बाजार में सिलेंडर लीकेज की वजह से एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के कन्नौज में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई पर ईंट से हमला कर छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा। यूपी के मिर्जापुर में अलाव की चिंगारी से लगी आग में पूरा घर जलकर राख हो गया। कुशीनगर के पनियावा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने सत्याग्रह एक्सप्रेस से दिल्ली तस्करी कर लाया जा रहा दुर्लभ प्रजाति का दो मुहा सांप बरामद किया। यूपी के बहराइच में सड़क पर करीब एक घंटे तक सांड आपस में लड़ते नजर आए। सांडों की इस लड़ाई के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। झारखंड के गिरिडीह में लाखों की ठगी के आरोप में पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नरेला में घर लौट रहे साहिल नाम के एक लड़के को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। आरोप है कि आपसी रंजिश में पड़ोस के लड़कों ने ही साहिल को गोली मारी। यूपी के कानपुर में देसी शराब के ठेके पर लेन देन के विवाद में ठेके के मालिक और उसके साले पर पीट पीट कर एक आदमी की हत्या का आरोप लगा है। बिहार एसटीएफ की टीम ने हत्याकांड में फरार चल रहे 50,000 के नामी बदमाश को अररिया के जोगबनी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में करोड़ों के ई टेंडर घोटाले के आरोप पर सियासी घमासान तेज हो गया। हालांकि इस घमासान के बीच भूपेश बघेल सरकार ने घोटाले की जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट में यह साफ बताया गया कि रमन सिंह सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ के कई विभागों में ई टेंडर भरने में गड़बड़ी की गई। ईओडब्ल्यू उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद ये सामने आएगी, और यदि ऐसा हुआ है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन बघेल सरकार के जांच के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आपत्ति जताई। सीएजी के एक सामान्य प्रक्रिया है, विधानसभा में प्रस्तुत होगा, विधानसभा के फ्लोर में आएगा, पीएसी में जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको देखेगी, और उसको देखने का काम विधायकों का है, विधायकों की समिति इसलिए बनाएगी। अब हर चीज में आप सिर्फ और सिर्फ ईओडब्ल्यू को ही जवाबदारी दोगे तो मुझे लगता है कि एक जो सामान्य विधानसभा की प्रक्रिया है उसके अनुसार ही होना चाहिए। हालांकि सीएजी ने उस वक्त की रमन सिंह सरकार को इस गड़बड़ी के बारे में बताया था, मगर आरोप है कि रमन सिंह सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान छत्तीसगढ़ के 17 सरकारी विभागों में 1921 ई टेंडर निकाले गए थे। ये सारे ई टेंडर 4,601 करोड़ रुपए के निकाले गए थे। इन टेंडरों को अपलोड करने के लिए 74 कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आरोप है कि 477 ठेकेदारों ने अधिकारियों की मिलीभगत से इन्हीं कंप्यूटरों से टेंडर भरे और तुरंत ही 961 करोड़ रुपए के टेंडर ठेकेदारों को मिल भी गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया है, ये जानकारी खुद अमित शाह ने ट्वीट कर दी।
एम्स में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की निगरानी में अमित शाह का इलाज किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष को ओल्ड प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। एम्स आज शाम तक उनके स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ बुलेटिन भी जारी करेगा। इस बीच बीती रात बीजेपी के कई नेता एम्स पहुंचे और अमित शाह की सेहत की जानकारी ली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी बीमारी की जानकारी करते हुए ट्वीट किया, मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा, आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। कर्नाटक के मंड्या में मकर संक्रांति पर जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे लोगों ने बैलों के साथ जानलेवा खेल खेला। इस दौरान कई बैलों को आग के बीच से दौड़ाया गया और ये सब परंपरा के नाम पर हुआ। ऐसी परंपरा जिसमें बेजुबानों की जान की कोई कीमत नहीं, बस लोगों को तो अपने खेल से मतलब था। इस जानलेवा खेल को खेलने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। ये खेल कर्नाटक के मंड्या में खेला जा रहा था। लोग अपने साथ धान की पुआल लाए थे जिसे सड़क पर चारों तरफ बिछा दिया गया। इसके बाद इसमें आग लगा दी गई और बैलों को इस आग के ऊपर से दौड़ने के लिए छोड़ दिया गया। बैलों के साथ लोग भी आग के ऊपर से दौड़कर दूसरी तरफ जा रहे थे। देखकर लगा ही नहीं कि इस जानलेवा खेल में किसी को भी डर था। एक के बाद एक कई लोग बैलों के साथ आग के बीच से निकलते जा रहे थे। आग भयानक हो चुकी थी और लपटें तेजी से ऊपर उठ रही थी, लेकिन ये जानलेवा खेल जारी था। बैलों के साथ कई लोगों ने भी अपनी जान जोखिम में डाल दी। लोग चीखते चिल्लाते हुए इस खेल का जश्न मना रहे थे, लेकिन बैलों को इस जानलेवा खेल की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा था। धान की पुआल में लगी आग काफी भयानक रूप ले चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर से गुजरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस जानलेवा खेल में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। मकानों की छतों पर कतार से कई लोगों को खड़े हुए देखा गया। मकर संक्रांति के मौके पर खेले गए इस खेल में किसी को चोट नहीं आई। तमिलनाडु के मदुरई में भी परंपरा के नाम पर जल्लीकट्टू खेल खेला गया। पोंगल के दौरान खेले जाने वाले इस खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर इस खेल को फिर से शुरू करवा दिया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। कार्यक्रम वाली जगह के पास बने मकानों की छतों पर भी जगह नहीं बची थी। जल्लीकट्टू खेल शुरू होने के साथ बैलों पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई। अलग अलग टीमें एक एक कर मैदान में आईं। इनमें जो टीम पीली टी शर्ट पहनकर उतरी उसे बैलों ने खूब दौड़ाया। इस टीम के लोग एक बैल के ऊपर चढ़ गए और उसे गिराने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बैल उन्हें घसीटते हुए आगे तक ले गया। दूसरी कोशिश में भी वो नाकाम रहे। इसी तरह जब दूसरी टीम उतरी तो उसने भी बैलों को पकड़ना शुरू कर दिया। एक आदमी तो बैल को पकड़कर लटक ही गया, लेकिन बैल ने उछलकर उसे नीचे गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद दोबारा शुरू हुआ यह खेल प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी करार राम रहीम को आज पंचकुला की अदालत सजा सुनाएगी। हालांकि सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी, लेकिन एहतियातन पंचकुला में हाई अलर्ट के साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। सीबीआई कोर्ट की ओर से आने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंचकुला में हरियाणा पुलिस के साथ साथ आरएएफ को भी तैनात किया गया है। कोर्ट आज राम रहीम के साथ साथ तीन अन्य दोषियों कृष्णलाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएगी। निर्णय कोर्ट ने करना था, कोर्ट ने निर्णय किया और उसमें से राहत ये जरूर है कि निर्णय कुछ भी आएगा, लेकिन कम से कम एक सेंसिटिव केस के नाते से हम सारी स्थिति से उठे। 26 जनवरी के मौके पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। हालांकि खुफिया विभाग को उसकी साजिश का पता चल गया, जिसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने अपने भतीजे हुजैफा समेत तीन बड़े कमांडरों अब्दुल रशीद गाजी, मोहम्मद उमर और मोहम्मद इस्माइल को हमले का जिम्मा सौंपा है। खबर है कि ये चारों आतंकी उत्तरी कश्मीर के किसी इलाके में छिपे हुए हैं, जो गणतंत्र दिवस और उसके बाद फरवरी में अफजल गुरु की बरसी के दौरान किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। आतंकवादी इस समय कश्मीर में जो दबे कुचले स्थिति में हैं, उनको वो फिर से बढ़ाने के लिए और उनको फिर से कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये नई नई टीमें भेज रहे हैं, तो उस किसी बड़े हमले को रोकने के लिए भारतीय एजेंसी पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि अलर्ट मिलने के बाद न केवल जांच एजेंसियां सतर्क हो गईं, बल्कि सेना ने भी सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया, क्योंकि मसूद अजहर के भतीजे हुजैफा के साथ मौजूद अब्दुल रशीद गाजी, मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद उमर अफगानिस्तान युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं। इसलिए सुरक्षा बल की ये कोशिश है कि इन चारों खूंखार आतंकियों को वक्त रहते ढेर कर दिया जाए।